आम आदमी पार्टी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आलोक अग्रवाल ने भाजपा व कांग्रेस पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल ने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दतिया पहुंचे थे। दतिया में आप प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती परिणीति राजे के निवास पर पत्रकारों से मुखातिब हुए। आप संयोजक आलोक अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी एवं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में सबसे महंगी बिजली मिल रही है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। प्रदेश में शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, बेरोजगारी, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार भाजपा सरकार में देखे जा सकते हैं। इस पर रोक लगा पाने में शिवराज सरकार असफल रही। वहीं कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जनता की समस्याओं पर विधानसभा और सड़कों पर सरकार को घेरने की बजाय कांग्रेस आपसी गुटबाजी में उलझ रही। वहीं आप प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती परिणीति राजे ने कहा कि भाजपा कार्यकाल के दौरान अभी तक देश और प्रदेश में अच्छे दिन दिखाई नहीं दिए। दतिया से एसआरआई बुलेटिन पर अनिल कुमार की रिपोर्ट। उनका ही पोस्टर पे फोटो नहीं है, ये साफ गुटबाजी दिखाई पड़ रही है। इस गुटबाजी ने ही कांग्रेस को कमजोर किया है और अब ये बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस कोई भाजपा के कारण नहीं, अपने कारण ही धरातल पर चली गई। सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है, जो आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, मेमोरेंडा है, जब तक वो जनता तक नहीं पहुंचेगा, बस इसकी कमी पड़ रही है। जितनी जल्दी हम ये बात जनता तक पहुंचाएंगे, जनता उस विकल्प को एक्सेप्ट कर रही है। अभी आदरणीय आलोक जी कहीं मैंने एक बार में पढ़ा था कि छिंदवाड़ा में आदरणीय कमलनाथ जी के क्षेत्र में अगर आप पेपर कटिंग देखें कि कितना ऐतिहासिक कार्यक्रम आदरणीय आलोक अग्रवाल जी का रहा, तो इससे क्या साबित हो रहा है? इससे ये साबित हो रहा है कि जनता का रुझान है, जनता भी समझ रही है कि एक आता है वो हमें चलता है, दूसरा आता है वो हमें चलता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं हमारे मध्य प्रदेश की जनता को एक विकल्प की आवश्यकता है और वो विकल्प निश्चित रूप से आम आदमी की पार्टी के रूप में यहाँ पर स्थापित हो। देश और प्रदेश में क्या जनता के लिए अच्छे दिन आए हैं, आप देख रही हैं इसको? बिल्कुल अच्छे दिन नहीं आए हैं। मैं जरा कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी कि ये जिंदगी सवाल मुसलसल सवाल है। इस शहर में गरीब का जीना मुहाल, गांव में वारदातें हैं, शहर में हादसे, और कुछ लोग कह रहे हैं तरक्की के साथ। तो ये तरक्की के साथ बिल्कुल नहीं है। अगर तरक्की हुई है तो भारतीय जनता पार्टी